हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, वेलकम टू पढ़ाई मैटर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोयम क्लास 10th का, इसका नाम है अ टाइगर इन द जोन और इसके पोएट हैं लेजली नॉरी। क्या है? लेजली नॉरी, LESLIE एंड NORIE। इस नाम को याद रखें क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो नाम से ही पता चल रहा है हमें कि हम इस पोयम में एक टाइगर की कंडीशन या फिर उसके बारे में बात करेंगे। ओके, ये पोयम में पूरी उसी के ऊपर ही केंद्रित है। तो पोयम के फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं और उसका हम लोग समरी निकालते हैं क्या होगा। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट केट इन हिज क्वाइट रेज। तो इसका मतलब यह है कि जो टाइगर है वो एक केज में बंद है और उसकी जो बॉडी है उसके बॉडी में विविड स्ट्रिप है। जैसे कि आपने देखा होगा टाइगर को रियलिटी में नहीं तो, लेकिन ऐसे फोटो में कि जो टाइगर होता है उसके ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर ऑरेंज कलर की और ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगी होती है, उसका मतलब यहाँ पे यही है। और जो टाइगर है, टाइगर केज में क्वाइटली मूव कर रहा है। अब क्वाइटली क्यों मूव कर पा रहा है? क्योंकि उसका जो पैड है, उसका जो पैड्स है वो काफ़ी सॉफ्ट है, बिल्कुल वेलवेट की तरह। वेलवेट मतलब मक्खन की तरह सॉफ्ट है और थिक है, जिसके वजह से वो आसानी से आराम से मूव कर पा रहा है इधर उधर। लेकिन उसे अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अब क्यों ना गुस्सा हो? क्योंकि उसका घर तो जंगल है और वो इस केज में बंद है, तो इसलिए जो टाइगर है वो बहुत गुस्से में है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया फर्स्ट स्टैंजा में कि जो टाइगर है वो अंदर से बहुत गुस्सा है, क्योंकि वो केज में एक चार दीवारी के अंदर नहीं रहना चाहता, वो अपने घर अपने जंगल में रहना चाहता है। तो हम सेकंड स्टैंजा जो है उसके बारे में ये है कि अगर टाइगर जंगल में होता तो क्या क्या होता। तो आइए हम उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसको मैं डिफाइन कर दूंगा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पासेस। यहाँ पे मैं पहले बता दूँ, वाटर होल का मतलब यहाँ पे नदियाँ पॉन्ड से है। और अब मैं इसका पूरा बताता हूँ, आपका डिफाइन करता हूँ कि अगर जो जो टाइगर है अगर वो जंगल में होता तो वो उसी जंगल के किसी जहाँ पे वाटर सोर्स है नदियाँ, उसी के वहाँ पे जो लॉन्ग ग्रासेस होती हैं उसके शैडो में छिप के डियर का वेट कर रहा होता। क्योंकि जो वाटर है, जो पॉन्ड्स है, रिवर है, वहाँ पे डियर आएंगी पानी पीने के लिए और वहाँ पे वो उसको अपना शिकार बना ले। तो कुछ बुद्धिजीवी लोग ये सोचने लगेंगे कि अरे बढ़िया है कि यहाँ पे केज में बंद है, वो मासूम डियरों को अपना शिकार बना लेता, तो वो तो सही नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक इकोसिस्टम का पार्ट है। अगर जो टाइगर है वो उसको नहीं खाएगा तो जो सर्किल है इकोसिस्टम का वो ब्रेक हो जाएगा, और वो जो ब्रेक हो जाएगा तो वो एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं होगा। स्टेंजर टू हमने कंप्लीट कर लिया है और स्टेंजर थर्ड को देखते हैं। ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइड फैंग्स हिज क्लॉज टेराइजिंग द विलेज। मतलब ये है कि अगर वो डियर का शिकार न कर रहा होता तो वो जो जंगल के आसपास के जो विलेजेस हैं वो वहाँ पे जाके उनको डराता। अब कैसे डराता? वो अपने दहाड़ से डराता, और जो उसके नुकीले दांत हैं वाइट फैंग्स जो यहाँ पे है उसके दांत को रिफर किया गया है, और वो अपने पंजे से डराता। जो विलेजेस हैं वहाँ पे वो जाके एकदम भयावह मचा देता। स्टेंजर थ्री के बाद हम फोर्थ स्टेंजर पढ़ते हैं और उसके बाद उसको डिफाइन करते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्सेंट्रिक सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टार्टिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। इसका मतलब ये है कि हमने अभी तो जो बात किया था, जो पांच माह स्टेंजर था उसमें तो ये था कि जंगल में होता तो वो डियर का शिकार कर रहा होता या फिर वो
जो विलेजेस हैं जंगल के, जो जंगल के नियर बाई विलेजेस हैं वहां पे जाकर उनको डराता, उनको अपने पंजे से दिखाकर दांतों से उनको जाकर डराता दहाड़ता वहां पे। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम वो तो एक केज में है ना, केज में है, तो जो उसका स्ट्रेंथ है वो तो उसी केज के ही अंदर है, उस बार के ही अंदर है, बिहाइंड द बार जैसे लिखा गया है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ केज में ही कुछ भी नहीं कर सकता, वो केज को तोड़ के तो नहीं आ सकता ना, कहने के लिए तो वो किंग है फॉरेस्ट का, लेकिन आज हम लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं। मतलब आप उसको रिलेट करना कि आप गए हो जू में और जो टाइगर है वो केज के अंदर बंद है, उसके ऊपर लोग हंसते हैं, हंस रहे हैं, देख रहे हैं, साथ में सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन जो टाइगर है वो तो कुछ नहीं कर पा रहा, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो स्ट्रेंथ है वो तो केज के अंदर है, वो तोड़ नहीं सकता केज को, इसलिए वो सिर्फ इग्नोर करता है। इस स्ट्रेंजा में इतना ही, अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ स्ट्रेंजा पे। स्ट्रेंजा फाइव के बाद अब स्ट्रेंजा फोर की बात करते हैं हम। He hears the last voice at night, the patrolling cars and stars and stairs, थोड़ा हो गया मिस्टेक, with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो ये है कि जो जंगल में patrolling cars आती हैं किसके लिए, ये देखने के लिए कि जो यहाँ पे कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, कुछ जानवर भाग तो नहीं गए हैं, तो ये इसका मतलब ये यहाँ बताया गया है कि जो टाइगर है वो लास्टली पेट्रोलिंग कार्स का ही आवाज़, उसके सायरन का आवाज़ सुनता है, और उसके बाद जो वो अपने ब्रिलियंट आईज से ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है। अब यहाँ पे गौर देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ब्रिलियंट आईज मतलब चमकदार आंखों से चमकदार स्टार्स को देखता है, टुकुर टुकुर देखता है। आपने या फिर किसी भी कुत्ते बिल्ली जो पेट है उनको अगर रात में आप लाइट मारेंगे तो उनकी जो आईज हैं वो बहुत ज़्यादा ग्लो करती हैं। यहाँ पे इसका मतलब यही है। हम पूरी समरी की बात करते हैं, तो पूरी समरी पहला स्टेंजा में ये था कि जो टाइगर है वो केज में बंद है, वो अपने मखमली जो उसका पॉज है वो वेलवेट की इतना सॉफ्ट है और ठीक है, इसलिए वो क्वाइटली मूव कर रहा है उसी केज के अंदर, लेकिन वो अंदर से गुस्सा है क्योंकि उसका घर तो जंगल है, वो आज़ाद रहना चाहता है, वो इस चार दीवारी में बंद कर नहीं रहना चाहता। अब ये बात करते हैं दूसरा जो स्टेंजा है उसका मतलब ये है, उसके अंदर ये है कि अगर वो जंगल में होता तो क्या क्या होता, अगर वो जंगल में होता तो वहाँ के पास वाली नदियों के जाके जो ग्रास होती है लंबी लंबी उसके पीछे छिप के वो डियर्स का इंतजार कर रहा होता, और जैसे ही वो आते वो उसको शिकार कर लेता। अगर वो शिकार ना कर रहा होता, जो थर्ड स्टेंजा हमारा वहाँ पे है कि अगर वो नहीं करता तो उसके अलावा वो जंगल के पास वाले जो गांव हैं विलेजेस हैं वहाँ पे जाके उनको डराता। कैसे डराता? दहाड़ कर अपने नुकीले पंजे से और अपने नुकीले दांतों से। अब फोर्थ वाला ये है कि लेकिन ये तो एट द प्रेजेंट टाइम ये एक केज में है, तो इसका जो भी स्ट्रेंथ है वो सिर्फ केज के अंदर है, कहने के लिए ये तो राजा है जंगल का, लेकिन यहाँ पे उसका कुछ भी नहीं हो, कुछ भी स्ट्रेंथ जो भी है उसके अंदर है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे हम लोग जाते हैं जू में तो हम लोग कई जो जानवर होते हैं उसके साथ सेल्फी लेते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं, और वो कुछ भी नहीं करते, तो टाइगर भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी मतलब कुछ नहीं कर पाएगा, या फिर वो उस केज को तोड़ तो नहीं सकता ना, तो वो इसलिए वो वहां पे जो पब्लिक है वो बस उन लोगों को इग्नोर करता है। एट द एंड फिफ्थ स्टेंजा जो है उसके अंदर ये है कि जो टाइगर है जंगल में पेट्रोलिंग कहां से आती हैं जानवरों को देखने के लिए कि कहीं वहां पे कुछ हो तो नहीं गया, कुछ कांड तो नहीं हो गया, कुछ जानवर भाग तो नहीं गए, इसलिए जो पेट्रोलिंग कार्स के सायरन की आवाज वो लास्ट सुनता है, और उसके बाद वो सितारों को अपनी चमकदार आंखों से चमकदार सितारों को टुकुर टुकुर देखता है। तो इस पोएम में इतना ही, मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि मैंने एक समरी में भी कंप्लीट कर दिया है कंबाइन, और साथ में स्टेंजा का भी डिफाइन किया है।
तो ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू पढ़ाई मैटर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 की पोयम जिसका नाम है फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देता हूं, मैं तुमसे ही पूछता हूं कि दो तरीके क्या हैं इस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो जो पोएट है वो यहां पे बताते हैं कि एक तरीका है फायर और एक तरीका है आइस ना। अब फायर कैसे, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे अर्थ पे जो वोल्केनो है ना, उसके अंदर से इरप्शन होने लगे और वो उससे कवर हो जाए, उसके हीट से पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सन है, सन की एनर्जी अचानक में बढ़ जाए और उसके हीट से फिर से अर्थ डिस्ट्रॉय खत्म हो जाएगा। या फिर तीसरा जो कंडीशन है कि जो सन है, सन को हम पास लाएं या फिर सन किसी तरह से पास आ जाए अर्थ के, तो अर्थ को वो जला देगी, खत्म कर देगी। अब बात करें हम आइस की। अब आइस कैसे, आइस है अगर पूरी अर्थ जो है वो आइस से कवर हो जाए तो भी जो लाइफ है यहाँ पे वो खत्म हो सकती है, पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। ऐसा कई मूवियों में भी दिखाया गया है, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ। और यहाँ पे जो आइस है वो है, यहाँ पे बताया गया है कि हेट्रेड से कंपेयर किया गया है और फायर को डिजायर से किया गया है। अब मुद्दे की बात करते हैं, पहले क्या है फायर, यहाँ पे फायर पहला लाइन, तो पहले सुनो। अब फायर मतलब इच्छा, एकदम सिंपल भाषा में सोचना। जैसे आप हैं, आपका दोस्त है, उसके पास एक बंदी है, उसकी गर्लफ्रेंड है, अगल बगल का एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में घुसे। ये मत सोचना कि सर्दी ऐसा सोचते हैं या फिर भैया भी ऐसा सोचते हैं ना। अब तुम्हें वो बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही हॉट बंदी है। अब तुम जो दोस्त है, तुम्हारे अंदर से अंदर मन होगा कि उसको मार दे, कहीं मिलता तो उसको पीट देते, क्योंकि तुम्हें उसे इच्छा है ना कि किसी तरह भी पाना है तुम्हें उसे। तो ऐसे भी दुनिया खत्म हो सकती है, बड़ी बड़ी इच्छाओं से भी दुनिया खत्म हो सकती है। इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल तो रीड कर लिया होगा। और दूसरा जो आइस है, अब सुनो, एक जो बंदा है तुम उसको जानते हो, वो आदमी चाहता है कि वो देश का पीएम बने, और उसका जो दिमाग है उसमें सिर्फ खुरापाती ही चीजें घूमती हैं। वो ऐसा आदमी है कि जहां जाएगा नष्ट कर देगा। अगर वो काश पीएम बन गया या फिर अच्छी पोजिशन में पहुंच गया, सोचो उस देश का क्या होगा। अगर ऐसे ही आदमी पूरी दुनिया में हो तो दुनिया का क्या होगा, दुनिया ही पूरी नष्ट हो जाएगी। अब ये एक सिनेरियो था, दूसरा बहुत ही पॉपुलर, जैसे हिटलर था। हिटलर के बारे में तो जानते ही होंगे, अगर हिटलर अपने हिसाब से दुनिया चलाता तो इस दुनिया का क्या होता, दुनिया ही एक दिन खत्म हो जाती। और जैसे इस टाइम के एक हैं शासक कि भैया समझ गए होंगे, अगर उसके हिसाब से पूरी दुनिया चले तो पूरी दुनिया का क्या होगा, पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो दो सिनेरियो मैंने बताया आपको और आप रेट कर रहे होंगे, तो हम पोएम को पढ़ लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब पोएट ये कहते हैं कि कुछ लोग दुनिया में बोलते हैं, नहीं कुछ लोग बोलते हैं कि दुनिया फायर से खत्म हो जाएगी, और मैंने बताया फायर यहाँ पे क्या है, डिजायर से कंपेयर है, फायर से खत्म हो जाएगी। और कुछ लोग बोलते हैं कि आइस से खत्म हो जाएगी। और मैंने जो यहाँ पे इच्छा देखी, मैंने जो चेक किया, मुझे जो लगा, मैंने सोचा, तो मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि हाँ फायर से दुनिया खत्म हो सकती है। बट इफ
इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर मुझे फिर से सोचना हो, दूसरी बार सोचना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ फेट टू से दैट फॉर एवरी डिस्ट्रक्शन, फॉर डिस्ट्रक्शन है बस, आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड बी वुड सफिक्स। मतलब ये है कि अगर मैं फिर सोचूं, दूसरा सोचूं, तो जो आइस है उससे भी दुनिया खत्म हो सकती है और मैं उससे भी सहमत हूं। मतलब कि हेट्रेड है तो दुनिया में, उससे भी दुनिया तबाह हो सकती है। तो ये पूरी लाइन है, एक बार फिर पढ़ लेना, मैंने जो बताया है वो चीज अपने दिमाग में डाल लेना, और तुम्हें, मुझे आशा है कि तुम्हें बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर तुम्हें समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में साथ लाइक बटन दबा देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में। और एट लास्ट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पढ़ते रहो, खुश रहो, पढ़ाई को स्ट्रेस में ना लो, एंजॉय करते रहो साथ में और पढ़ाई करते रहो।